सर ये बिल आज राइट टू एजुकेशन के कारण सभी जगह शिक्षा का विस्तार हुआ, सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन, लेकिन उस विस्तार में जो प्रशिक्षण चाहिए था कि डीएलएड चाहिए पहली से आठवीं तक पढ़ने के लिए और कुछ जगह बीएड चाहिए अपर प्राइमरी में, तो ये जो चाहिए था वो नहीं आए लोग, और इसलिए अनट्रेन टीचर्स लेते गए राज्य सरकारें और अनट्रेन टीचर्स लेने को परमिशन भी दी गई। अब स्थिति यह है आज की, और 2015 तक उनको ट्रेनिंग पूरा करने के लिए बताया था कि 2015 तक शिक्षक प्रशिक्षित हो, क्वालिफिकेशन अर्जित करे, डीएलएड या बीएलएड जो भी करना है वो करने के लिए 2015 तक मुदत दी थी। उसमें 3 लाख टीचर्स का ट्रेनिंग हो गया, 1.5 लाख टीचर्स का ट्रेनिंग एक साल ही हो गया, एक साल उनका बचा है, और उसके बाद प्राइवेट स्कूल का इसमें उल्लेख ही नहीं था। पहले प्राइवेट स्कूल की जब हमने जानकारी ली तो 7 लाख अप्रशिक्षित अनक्वालिफाइड टीचर्स आज काम कर रहे हैं, तो 7 लाख प्राइवेट के, 1.5 लाख जिनका एक साल पूरा है वो, और सरकारी स्ट्रीम में लगभग 2.5 लाख अनट्रेंड है, ऐसा सब मिलके 11 लाख टीचर्स आज डीएलएड या बीएलएड नहीं है। तो इनको अब अवसर बंद करके कैसे चलेगा, इतने लोगों को नौकरी से निकाल भी नहीं सकते, लेकिन छात्रों पर भी अन्याय नहीं कर सकते कि उनको अप्रशिक्षित शिक्षकों के हाथों से शिक्षा मिले, इसलिए उनको डीएलएड और बीएलएड करने के लिए 2 साल का अवधि देने के लिए ये बिल लाया है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, और ये 2 साल में होगा क्या, तो इसलिए होगा कि टेक्नोलॉजी ने एक नया अवसर पैदा किया है जो हमने स्वयं प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस पर हम डीएलएड और बीएलएड के कोर्सेस इस अक्टूबर से ये प्रारंभ होगा, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के दिवस पर ये शुरू होगा, और 2 अक्टूबर को जब शुरू होगा तो 11 लाख टीचर्स का रजिस्ट्रेशन अगस्त महीने में 15 अगस्त से 15 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। तो ये रजिस्टर करेंगे पहले, और रजिस्टर करने के बाद इनको फ्री एजुकेशन मिलेगा सबको, कहीं कॉलेज, एक मिनट, कहीं भी कॉलेज ढूंढने के लिए जाना नहीं है उनको। ये स्वयं क्या है, स्वयं में ऑनलाइन ट्रेनिंग है और ऑफलाइन भी है, अच्छे प्राध्यापक लेक्चर्स देंगे, उसका मटेरियल होगा, उसका ट्यूटोरियल होगा, उसका मिड डिस्कशन फोरम होगा, कुछ भी आशंकाएं पूछेंगे उसका जवाब मिलेगा, और उसके बाद परीक्षा होगी और सर्टिफिकेट मिलेगा। यह ऑनलाइन जिनके पास है वो अपने कंप्यूटर पे ये कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है ग्रामीण इलाकों में क्या करेंगे, तो उसके लिए टीवी पर उनको दिखेगा, रोज टीवी पे जो दिखेगा इसका नाम है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा 32 एजुकेशनल चैनल्स है, दूरदर्शन के साथ हमारा टाइप हो गया, एमओयू हो गया, 32 चैनल आज शुरू हो गए, और ये 32 चैनल के लगभग हर भाषा में, क्योंकि ये सभी भाषाओं में होगा प्रशिक्षण, जो भी आप प्रशिक्षित है वो रीजनल लैंग्वेज में उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा क्योंकि उसी में वो पढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए टीवी में उनको दिखेगा। उसके लिए फ्री डिश जो दूरदर्शन की होती है वो डिश का सेट टॉप बॉक्स उनको लेना पड़ेगा, 1300 रुपये खर्चा है, लेकिन एक बार 1300 रुपये खर्चा किया तो उस पर भी जो कंटेंट आएगा रोज 2-3 बार दिखेगा, तो समझो हिंदी का अध्यापक है, यानी हिंदी में पढ़ने वाला है, परीक्षा देने वाला है, तो हिंदी चैनल बीएड का, डीएलएड का अलग होगा, और उसमें 2 बार या 3 बार रोज आएगा, और वो आने से वो घर में अपने सहूलत से वो पाठ देखेंगे, पढ़ेंगे, उनको मटेरियल किताब अलग से मिलेंगे, और वो किताब जो मिलेंगे उसके आधार पर वो अपना अध्ययन स्वयं अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो पढ़ा रहे ही है तो उनको लेसन लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उनका चल ही रहा है, उसको ही मद्देनजर केवल थियोरेटिकल और ये जो अध्ययन है वो ऑनलाइन भी मिलेगा, ऑफलाइन टीवी पर भी मिलेगा, और इससे 2 साल में 11 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक पूरे के पूरे शिक्षा पूर्ण क्वालिफाइड होंगे, और उससे शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा, टीचर्स का भी स्तर बढ़ेगा। और आज जो उनके मन में आशंका है कि हमारी नौकरी जाएगी क्या, तो नौकरी नहीं जाएगी लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ये भी हम कह रहे हैं, और इसके लिए बिल है। मुझे लगता है सभी दल इसको समर्थन देंगे, जैसे लोकसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ ऐसा ही यहाँ होगा। ये करके मैं चर्चा के लिए अनुरोध करूँगा।